हेलो स्टूडेंट, आई एम कन्हैया कुमार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एज यू नो, वी आर गोइंग फॉर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट, है ना। लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके थे कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ना, ये कहाँ से डिफाइंड होता है, क्योंकि हम आपको पहले भी डिस्कस किए थे कि मिडिल का टॉपिक आपको दे दिया है। दिस इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज द टाइप ऑफ कंप्रेसर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज कंप्रेसर, देन गो फॉर टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। ओके, एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, है ना। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम कंप्रेसर के बारे में जानेंगे, कंप्रेसर होता क्या है, है ना। फिर हम जानेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, क्योंकि कंप्रेसर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि, है ना, इसको थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग समझते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहाँ से डिफाइंड होता है। तो उसके लिए हम आपको जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको आप देखिएगा, हम वहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए हैं, है ना, जहाँ से मेरा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। मेरा रिक्वायरमेंट कहाँ से है, तो जहाँ से हम फ्लूड मशीन को, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जब फ्लूड मशीन को ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जब क्लासिफाइड करते हैं, तो वहाँ पे दो टाइप से उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज रोटो डायनेमिक मशीन एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। क्लियर है यहाँ तक। हम ये भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि रोटो डायनेमिक मशीन किस तरह से वर्क करता है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन किस तरह से वर्क करता है, क्लियर ना। तो जो रोटो डायनेमिक मशीन था उसका हम आपको एग्जांपल बताए थे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये सारा जो मेरा आता है वो किस में आता है, रोटो डायनेमिक मशीन में। सिमिलरली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में हम आपको बताए थे कि उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सारी चीज़ों के हम लोग पढ़ते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिफाइंड हुआ वो कहाँ पे डिफाइंड हुआ, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन पे डिफाइन करता है ना। क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन को वर्क करने का जो प्रिंसिपल होता है, उसी प्रिंसिपल पे मेरा काम करता है क्या, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है ना, उसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को, या रेसिप्रोकेटिंग पंप भी उसी के अंदर आता है। तो कहने का मतलब है कि हम चूंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन से निकल के आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो पहले हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है। क्लियर है, पहला पॉइंट मेरा निकल के आया, ये क्या है, एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है। क्लियर है ना। अब इसके और भी हम डिटेल्स में जाएंगे, क्लियर, कि इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जबकि ऑलरेडी मेरे पास रोटो डायनेमिक मशीन प्रिंसिपल पे करने वाला कंप्रेसर मेरे पास था, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और भी एक्सियल है, रोटर है ना। तो फिर वो सारे को, है ना, वो सारे से ए रेसिप्रोकेटिंग कैसे डिफरेंट है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ों पे हम आपको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए यहाँ पे क्या है, हम आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि जो रिकॉर्डेड क्लास का प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यही है कि यहाँ पे जो है, जो पॉइंट्स हम लोग को नोट डाउन करवाना होता है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ाया जाए तो रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखाने की, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेनली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, आपको सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेमेस्टर में अच्छे से मार्क्स लाते हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज आज के डेट में क्या है कि वो डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या, जो आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितना CGPA आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करने लग गई है। बहुत सारा वैकेंसीज ऐसा आने लग गया है, बिहार में ही बहुत सारा वैकेंसीज इस तरह से, है ना, लिया जाता है वैकेंसीज पे। तो इसके लिए क्या है कि ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप सेमेस्टर में अच्छे स्कोर करें, पहला पॉइंट।
दूसरा, हम बार बार इस चीज को आपको डिस्कस कर रहे हैं कि खासकर जो आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसका जो कंटेंट है, अगर आप उसको अच्छे से कवर करते हैं तो आगे की जो चीजें हैं, जो आगे की कंपिटेटिव एग्जाम जो आपको देना है, अगर वो गेट हो, ईएस हो, पीएससी हो, एसएससी, जेई हो, ये सारे चीजें जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि आपका वहां से वो सारा क्वालिफाई आप कर जाएंगे, नहीं, वो तो आपको कंटिन्यू लेबर करना है, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, मतलब आप वहाँ पे इंजॉय करेंगे, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप सेमेस्टर में अगर अच्छे से आप नहीं कर पाते तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है थियोरेटिकल पार्ट या डिस्क्रिप्शन या डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला, एक सेमेस्टर में स्कोर करें जहाँ से कि कुछ है ना, बिहार सरकार की कुछ वैकेंसीज अगर हमको एकेडमिक परफॉर्मेंस पे अगर आता है तो वहाँ आपको वेटेज मिले, क्लियर है ना। और दूसरा कि आगे अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे जब आपको ये सारा बेसिक नॉलेज पता होगा, क्लियर। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पे। हम क्या बोल रहे थे कि हम यहाँ तक आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके थे कि मेरा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो कहाँ से आता है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन से आता है। ये भी एक तरह का क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, क्लियर है ना। तो अब हम थ्योरी पार्ट जो इसका हो सकता है, जितना भी हो सकता है इसका रेसिप्रोकेटिंग का थ्योरेटिकल पार्ट जो हो सकता है, वो सारा हम आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं, नोट डाउन कर दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको समझाने के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। चलिए आइए अब देखते हैं इसको हम लोग वन बाई वन पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, दैट इज, इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किए हैं, अभी भी हम आपको बताएं कि ये कहाँ से आता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन से आता है ना। तो ये एक टाइप का क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, क्लियर है ना। यूज टू, जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम यही बताए थे आपको कि हम मान लिया कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर, विच इज नॉट पॉसिबल विथ सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर, बात समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर, ठीक है ना, बोल रहा है कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर विच इज नॉट पॉसिबल विद द सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर, ठीक है ना। कहने का मतलब इसको हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमको वेरी हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमको सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर से पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि इसको यूज हम लोग कहां करेंगे, जहां पे हमको वेरी हाई प्रेशर को डेवलप करना होगा। ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि कंप्रेसर का सिंपल वर्क क्या है, तो ये प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय ऑब्जर्विंग द एनर्जी। कहीं कहीं जो इसको ऑब्जर्विंग मशीन के नाम से भी लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रेशर भी क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्लियर है ना। तो वो इनर्जी प्रेशर बढ़ा रहा, मतलब अपने आप में ऑब्जर्व करके प्रेशर को बढ़ा रहा। तो कहीं कहीं इसको जो है ना इस नाम से भी जानते हैं कि ये इनर्जी ऑब्जर्विंग मशीन है ना। तो आप बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन यूज्ड फॉर प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर विच इज नॉट पॉसिबल विद द सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर, ठीक है ना। चलिए आइए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, है ना। अब सेकेंड पॉइंट है जो कि आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है ना, किसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस कंप्रेसर इज इंटरमिटेंट सप्लाई, है ना। कहने का मतलब एक कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं देता है। अभी हम एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाएंगे यहाँ पे, तो वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये पहले क्या करता है कि सक्शन से है ना सक करता है फ्लूड को, फिर उसको कंप्रेस करता है और तब फिर वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है,
क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि जिस समय सक्शन होता है उस समय डिस्चार्ज रुक जाता है, डिस्चार्ज बल्ब क्लोज हो जाता है ना, फिर वो कंप्रेस होता है तब फिर डिस्चार्ज बल्ब ओपन होता है और वो डिस्चार्ज होता है, क्लियर है ना। तो ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं देता है, कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं देता है, ये इंटरमीडिएट रुक रुक कर देता है, क्लियर है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि इसका क्या एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, प्लस ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये वेरी हाई वॉल्यूम को डिलीवर नहीं करता है ना, मतलब बहुत कम वॉल्यूम को डिलीवर करता है, मतलब डिस्चार्ज कम होता है इसका, क्लियर है ना। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको लिखा दिए कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस कंप्रेसर इज इंटरमीडिएट सप्लाई एंड लो वॉल्यूम डिलीवर। मतलब क्या, जनरली इसको हम लोग 3 to 5, 5 to 8 meter cube है ना पर मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, है ना। तो जो कि बहुत कम होता है, लो वॉल्यूम डिलीवर्ड है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ से हमको डिलीवर्ड नहीं कर पाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो एक दो पॉइंट डिसएडवांटेज बोले या ड्रॉबैक्स बोले, पहला कि एक कंटिन्यू सप्लाई नहीं देता है, इंटरमीडिएट सप्लाई देता है, और दूसरा कि ये आपको क्या है, लो वॉल्यूम डिलीवर करता है, क्लियर है सेकेंड पॉइंट। आइए थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, आते हैं हम कंस्ट्रक्शन वाइज पे, क्लियर है ना। अब क्या है ना कि हो सकता है कि आपको बुक में यूनिवर्सिटी में पूछ दे कि बताइए कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल यही है, यही कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो पॉइंट नंबर थर्ड में हम जा रहे हैं। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज है ना, इस तरह से कहां पे इसका एग्जांपल है, यूज होता है, ये सारी चीज हम अगर वन बाय वन करके लिखते तो फिर स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हम क्या किए आपको पॉइंट वाइज हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आपको लगता है कि उस तरह से आप लिख सकते हैं, उस वे में लिख सकते हैं, है ना, कि दिस इज डिसएडवांटेज, दिस इज कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, है ना, एंड दिस इज एप्लीकेशन, तो आप उस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन की, जो पॉइंट है बोल रहा है इन कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, है ना, ये क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, क्लियर है ना, जिसमें दो बल्ब लगा रहता है, विथ टू बल्ब, है ना, दो बल्ब लगा होता है, वन बल्ब है ना ए विथ टू बल्ब है, वन बल्ब ऑन द सक्शन साइड, हम बताएंगे आपको अभी डायग्राम में हम आपको बताएंगे कि एक सक्शन साइड होता है, एक आपका डिस्चार्ज साइड होता है, क्लियर है ना। बेटर है कि हम आपको डायग्राम बना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। देखिए आइए इसका हम डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हमको ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग नाम देते हैं पिस्टन, है ना, दिस इज नोन एज पिस्टन, इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टन, एंड दिस इज नोन एज सिलेंडर, है ना। आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़े होंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को, क्लियर है ना। तो ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या है, पिस्टन है। अब इसमें दो बल्ब लगा रहता है ना, वन सेक्शन बल्ब एंड अदर इज डिस्चार्ज बल्ब, ठीक है ना, ये दो बल्ब लगा रहता है। यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है आपका फ्लूड को सक किया जाता है ना, इसको हम लोग सक्शन पाइप भी बोलते हैं, और यही आपका जो है सक्शन बल्ब है, दिस इज नोन एज सक्शन बल्ब, सक्शन बल्ब, है ना, and this is known as discharge valve, क्लियर है ना। आइए यहां पे ध्यान दीजिए, और ये आपका क्या होता है, यहां से आपका डिस्चार्ज होता है, यहां से जो है आपका डिस्चार्ज होता है, जो भी आपका फ्लूड है, क्लियर। यहां पे एक जो है पिस्टन रॉड लगा रहता है, ठीक है ना। अब हम आगे ज़्यादा आपको नहीं जाएंगे, है ना, हालांकि यहाँ पे होता है क्या है कि एक कनेक्टिंग रड रहता है जो क्रैंक से कनेक्टेड रहता है, कहने का मतलब
कि यहाँ पे कुछ इस तरह से एक कनेक्टिंग रड होता है जो क्रैंक से जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है ना, और एक क्रैंक जो है ये आपका रोटेट करते रहता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा समझने का चीज है, ठीक है ना। एक क्रैंक जब रोटेट करता है, इसमें जब रोटरी मोशन आता है ना बाय द एक्सटर्नल सोर्स, तो ये जब रोटेट करता है, क्लियर, ये जब रोटेट करता है तो ये रोटरी मोशन जो है ये पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना? और ये जो आपका पिस्टन है वो क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो कहां से कहां तक रेसिप्रोकेट करेगा, तो जो सबसे आउटर सेंटर जहां तक आपको रेसिप्रोकेट करके जहां तक आउटर मतलब कहां तक आएगा, जब आपका जो एक कनेक्टिंग जो आपका ये क्रैंक है ये आपका जो है कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इधर के मैकेनिज्म से अभी हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है इसके मैकेनिज्म से। क्लियर ना? लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दिए कि जब ये रोटेट करके आपको इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा तब आप बोल सकते हैं कि जो आपका सबसे आउटर पॉइंट जो आपका पिस्टन जहां तक मूव कर सकता है वो वहां तक मूव करेगा। अब इसके बाद जब यहां से आएगा तो ये पीछे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके आगे वो अब आगे नहीं जा सकता। क्लियर है ना? जब आपका क्रैंक यहां पे आएगा तब ये मैक्सिमम पोजीशन पिस्टन आपको यहां पे आएगा, ठीक है। जब यहां से फिर क्रैंक इधर मूव करेगा फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, और इस जहां तक आपको ये आपको मूव करता है इसको हम लोग नाम देते हैं आउटर डेड सेंटर, ओडीसी बोलते हैं, है ना। जब हॉरिजॉन्टल मशीन होता है तो आउटर डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर से हम लोग बात करते हैं, जब वही वर्टिकल होता है तो हम लोग बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर से बात करते हैं। आप पढ़े होंगे ऐसे इंजन में। क्लियर ना? तो जहां तक ये आपको मूव करेगा आउटलेट पॉइंट पे, दैट इज ओडीसी, मतलब आउटर डेड सेंटर। क्लियर है ना? अब चलिए आइए ध्यान दीजिए, समझिए यहां पे थोड़ा सा, है ना। एक क्या होता है, अभी पहले हम आपको डिफिनेशन को थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं, फिर हम इस पे डिटेल्स में बात करेंगे। क्लियर ना? तो हम पॉइंट नंबर थर्ड पे थे कि इन कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, आपको यहां पे दिख रहा होगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है विद टू बल्ब्स, हम आपको दो बल्ब दिखा दिए, सक्शन एंड डिस्चार्ज बल्ब, है ना, विद टू बल्ब्स, वन बल्ब ऑन द सक्शन साइड, पहला एक बल्ब कहां है सक्शन साइड, एंड अदर बल्ब ऑन द डिस्चार्ज साइड, और आपका दूसरा कहां है डिस्चार्ज साइड में है। क्लियर है? है ना? नेक्स्ट आपको बोल रहा है विच वर्क्स ड्यू टू दीज बल्ब्स आर स्प्रिंग लोडेड ऑटोमेटिक बल्ब्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लोडेड कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो स्प्रिंग लोडेड होता है और वो ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होते रहता है, वहाँ पे मैनुअली करने की जरूरत नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ही बोल रहा है कि स्प्रिंग लोडेड होता है, ठीक है ना, जिस बल्ब्स आर स्प्रिंग लोडेड ऑटोमेटिक बल्ब विच वर्क्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस के कारण वो क्या करता है ऑटोमेटिकली वर्क करते रहता है। क्लियर ना? अक्रॉस द बल्ब, ठीक है। तो ए पॉइंट आपका क्लियर है। एक थोड़ा सा और इसी में आपको ऐड कर रहा है कि प्लेट और डिस्क टाइप बल्ब विल बी प्रीफर्ड ड्यू टू लेस इनर्सिया इफेक्ट, है ना। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं जेनरली आइदर वो प्लेट टाइप होता है, प्लेट आप समझ रहे हैं, या फिर डिस्क टाइप होता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण इनर्सिया इफेक्ट कम होता है, और हमारा मशीन में जितना कम इनर्सिया इफेक्ट होता है उतना ज्यादा बेटर होता है। क्लियर है ना? तो जनरली आपको इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन, कहाँ पे हम लोग एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे इसको हम अप्लाई करता है, कहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो आपका एप्लीकेशन है। क्या बोला जा रहा है, दिस कंप्रेसर्स आर यूज इन एयर कंडीशनर्स, आप लोग समझते हैं एयर कंडीशनर में हम लोग यूज करते हैं, और कहाँ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर ना? और कहाँ करते हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। क्लियर? और कहाँ करते हैं तो एंड एयर फिलिंग स्टेशन, ये बहुत यूजुअल एप्लीकेशन है। जब आप लोग बाइक में और कहीं भी जब एयर को फिल करवाने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक सिलेंडर टाइप का मशीन रखा रहता है, डेट इज कंप्रेसर, वो मेरा क्या होता है कंप्रेसर होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो वहाँ क्या करते हैं, तो वहाँ हम लोग एयर को सक करता है मशीन के थ्रू,
है ना, और उसके प्रेशर को इंक्रीज करके वेसल में स्टोर कर देता है, क्लियर ना। और जब यहाँ से एयर को हम लोग बाइक में या किसी भी व्हीकल्स में हम लोग जब एयर लेने जाते हैं, तो चूंकि वहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर पे वेसल में स्टोर होता है, तो हम जैसे ही वहाँ बल्ब का ओपन करते हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका जो एयर है वो क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है, क्लियर ना। तो ये बहुत यूजुअल एप्लीकेशन है ना, एयर फिलिंग स्टेशन, क्लियर। तो ये आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसको, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता क्या है हमें आपको डिफाइन कर दिए, हम ये भी रिलेट कर दिए कि है ना, हम इसको वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर हमको डेवलप करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल से है ना हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जो है पॉसिबल नहीं होता है। ड्रॉबैक भी बता दिए कि ये इंटरमीडिएट सप्लाई देता है, कंटिन्यू सप्लाई नहीं देता है और लो वॉल्यूम डिलीवर करता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाइज भी हम आपको बता दिए और यहाँ से हम आपको रिलेट भी कर दिए, और फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, यूज कहाँ पे करेंगे, वो भी हम आपको डिस्कस कर दिए। दिस इज द कंप्लीट थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्लियर है।